नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में, एमपी स्पेशल के बारे में। तो हम लोग पहले लेक्चर में देख चुके हैं कि हम लोगों को विषय सूची देख चुके थे कि हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। याद रखिए, एक कवर होने के बाद, पूरी बुक कवर होने के बाद, चाहे फिर आपका एमपी पीएससी हो, फिर एमपीएसआई हो, एमपी पुलिस, कोई भी एमपी का एग्ज़ाम, वर्ग 3 वाला हो, 2 वाला, जो एमपी स्पेशल का जो महत्व है उससे संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं छूटेंगे आपके। जो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का उसमें हिस्सा है वो इससे सब कवर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए जितने भी हमारे लेक्चर होंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के प्लेलिस्ट सूची में डले रहेंगे, वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं, मध्य प्रदेश का एक सामान्य परिचय देखते हैं। ठीक है, तो राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। वर्तमान स्वरूप राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर 2000 को, सन 2000 को। याद रखिए मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956। मध्य प्रदेश दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। पुनर्गठन छत्तीसगढ़ को अलग कर 1 नवंबर 2000 को इसका पुनर्गठन हुआ। मध्य प्रदेश के नाम किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश का नाम किसने दिया था? तो आपको बता देना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। मध्य प्रदेश की राजभाषा क्या है? हिंदी। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? दूधराज या शाह बुलबुल, पैराडाइज फ्लाई कैचर भी बोलते हैं इसे। ठीक है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? वारेसिंगा बेडरी जाति का। ठीक है, राजकीय वृक्ष है बरगद मध्य प्रदेश का। राजकीय पशु पक्षी एवं वृक्ष को 1 नवंबर 1981 को राज्य की 25वीं वर्षगांठ पर घोषित किया गया था इन्हें। राजकीय पुष्प है मध्य प्रदेश का सफ़ेद लीली। राजकीय खेल है मलखंब, 2013 में घोषित किया गया। राजकीय नाट क्या है मध्य प्रदेश का? राज्य नाट क्या है? माच। मध्य प्रदेश का राज्य नृत्य क्या है? राई। मध्य प्रदेश की राज्य फसल क्या है? सोयाबीन। राजकीय मछली क्या है? महाशीर, 2013 में घोषित की गई थी। ठीक है, याद रखना। मध्य प्रदेश गान श्रीवास्तव, महेश श्रीवास्तव, मेरा मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके रचनाकार कौन थे? श्री महेश श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश गान है मेरा मध्य प्रदेश, और इसके रचनाकार थे महेश श्रीवास्तव जी। ठीक है, राजकीय चिन्ह मध्य प्रदेश का 24 स्तूप आकृति के अंदर एक वृत्त जिसमें गेहूं और धान की बालियां प्रदर्शित हैं। मध्य प्रदेश के उपनामों की बात करें तो इसे नदियों का मायका, सोया राज्य, सोयाबीन राज्य, हृदय प्रदेश, कोहिनून प्रदेश, लघु भारत, टाइगर स्टेट, सेंट्रल प्रोविंसेस, वरार। याद रखना, टाइगर प्रदेश स्टेट। ठीक है, अभी 2019 में जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार 526 मध्य प्रदेश में टाइगर पाए गए हैं। ठीक है, कितने? 526। और टोटल भारत में कितने पाए गए? 2967। ठीक, याद रखिए। तो मध्य प्रदेश को फिर से टाइगर स्टेट का दर्जा मिल गया है। मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो 308,252 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 308,252 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश में संभाग हैं 10 और ज़िले हैं मध्य प्रदेश में 52। पहले 51 थे, लेकिन निवाड़ी ज़िला कब बनाए? अक्टूबर 2018 में। तो अब कितने टोटल ज़िले हो गए? 52। ठीक है, याद रखिए जो निवाड़ी ज़िला बना हुआ है ये, इसमें निवाड़ी, पृथ्वीपुर और ओरछा को मिलाकर बनाया गया है। तो याद रखना, अब आपका ओरछा टीकमगढ़ ज़िले में नहीं आता है, निवाड़ी ज़िले में आता है। ठीक है, याद रखना।
तहसीलों की बात करें तो अब 420 हो गई तहसीलें मध्य प्रदेश में, ठीक, पहले 367 थी लेकिन अब 420 हो गई। हाल ही में मध्य प्रदेश जिले के बड़ागांव और नर्फ सिंहपुर जिले के साईखेड़ा की तहसील का दर्जा दिया गया। इस प्रकार इसमें 369 हो गई थी, फिर उसके बाद 420 हो गई टोटल। विकास खंडों की बात करें तो 313 विकास खंड मध्य प्रदेश में कितने हैं, 313। आदिवासी विकास खंडों की बात करें तो 89। नगरों की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो 476 हैं। और कुल ग्रामों की बात करें, किनकी, कुल ग्राम जनगणना 2011 के अनुसार तो ये हैं 54,903। आबाद ग्राम जनगणना 2011 के अनुसार 52,170। नगर निगमों की बात करें तो 18 हो गई, अब पहले 16 थी लेकिन 18 हो गई। कौन कौन सी है, 17वीं 18वीं है, भिंड और दतिया, ठीक है। नगर पालिकाओं की बात करें तो 98 हैं, नगर पंचायतें 64 हो गई हैं, ठीक है। ग्राम पंचायतें 23,006 हैं, जनपद पंचायतें 313 हैं, जिला पंचायतें 52 हो गई हैं, ठीक है, कितनी हो गई, 52। याद रखना है आपको, नगर निगम 18 हो गए और नगर निगम कितने हो गए आपके, एक बार कंफर्म और कर दें आपका, गलत ना हो, मेरा यही उद्देश्य है भाई। नगर निगम हाँ 18 हो गए, याद रखिए 18। 17वां है भिंड और 18वां है दतिया, याद रखिए, ठीक। और जिला पंचायतें 52 हो गई और फिर अपना क्या बदला है, नगर पंचायतें ये भी 264 हो गई, ठीक। आगे बात करते हैं, जॉन आईजी पुलिस 11 है मध्य प्रदेश में, रेंज डीआईजी पुलिस 15 हैं, कंट्रोल रूम 53 हैं, पुलिस थाने याद रखिए 1099 हो गए, 1100 के लगभग हो गए, ठीक है, याद रखिए। पुलिस चौकियां 562 हैं, पुलिस उपसंभाग 189, पुलिस जिले हो गए 52, ठीक है, याद रखिए पुलिस जिले कितने हो गए, 52। लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 29, इन्हें याद रखिए, लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 29। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 11। लोकसभा सीटें हैं 29, राज्यसभा सीटें हैं 11, विधानसभा सीटें कितनी हैं, 230 प्लस एक, 230 निर्वाचित होते हैं, एक नॉमिनेट होता है, ठीक है, मनोनीत के। फिर लोकसभा सीटों में आरक्षणों की बात करें, लोकसभा सीटों में, लोकसभा सीटें कितनी हैं, 29, जिनमें आरक्षित सीटें कितनी हैं, अनुसूचित जाति के लिए हैं 4, कितनी हैं 4, 29 में से 4 हैं अनुसूचित जाति के लिए, और अनुसूचित जाति के लिए क्या हैं 6, याद रखिए। लोकसभा की सीटें हैं मध्य प्रदेश में 29, जिनमें से 4 अनुसूचित जाति के लिए और 6 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। विधानसभा सीटों के मैं आरक्षण की बात करूँ तो विधानसभा सीटें कितनी हैं, 230, जिनमें से अनुसूचित जाति के लिए 35 हैं आरक्षित और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 हैं, ठीक है। बात करते हैं आगे, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय की खंडपीठ इंदौर में है, इंदौर और ग्वालियर में है। राज्य का पूर्वी जिला क्या है, पूर्वी सिंगरौली, ठीक है, यह पूर्वी जिला सिंगरौली, ठीक है। पश्चिमी जिला क्या होगा, अलीराजपुर, पश्चिमी जिला अलीराजपुर, याद रखना अलीराजपुर गुजरात और महाराष्ट्र में से इसकी बॉर्डर लगती है, ठीक है, राजस्थान और गुजरात से झाबुआ जिला की लगती है, ठीक है, याद। पश्चिमी जिला हो गया बुरहान अलीराजपुर, फिर दक्षिणी जिला बुरहानपुर, उत्तरी जिला मुरैना, तो याद रखना है पूर्वी जिला क्या है, सिंगरौली, पश्चिमी जिला अलीराजपुर, दक्षिणी जिला बुरहानपुर, उत्तरी जिला मुरैना, मध्य जिला सागर, ठीक है।
ये है मध्य प्रदेश मान लीजिए, तो यहाँ होगा पूर्वी जिला हमारा सिंगरौली। याद रखिए मानक समय रेखा सिंगरौली से गुजरती है, मध्य प्रदेश के एकमात्र जिला से, 42-82 डिग्री देशांतर। ठीक है, याद रखिए 82 डिग्री देशांतर 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक। कूड़ेदान मुक्त शहर कौन कौन से? पन्ना, सैलाना, कुशीनगर। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर क्या है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। ठीक है। प्रथम राज्यपाल कौन है मध्य प्रदेश के? कौन है? डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। प्रथम राज्यपाल मध्य प्रदेश के डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल हैं। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे हैं मध्य प्रदेश के। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष विष्णु वनारक बिनारक सरवटे हैं। प्रथम महिला राज्यपाल सुश्री सरला गेवाल जी हैं। मध्य प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री महिला सुश्री उमा भारती जी हैं। प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री राजा नरेश चंद हैं, राजा नरेश चंद हैं। प्रथम न्यायाधीश की बात करें तो मोहम्मद हिदायतुल्ला थे। प्रथम महिला न्यायाधीश श्रीमती सरोजिनी सक्सेना। प्रथम मुख्य सचिव एच एम कामत। प्रथम महिला मुख्य सचिव श्रीमती निर्मला बुच। प्रथम राज्य निर्वाचन आयोग एम बी लोहानी। प्रथम राज्य सूचना आयोग आयुक्त टी एन श्रीवास्तव। प्रथम पुलिस महानिदेशक बी पी दुबे। प्रथम पुलिस महानिरीक्षक बी जी घाटे। प्रथम भारतीय पुलिस सेवा महिला अधिकारी मध्य प्रदेश की आशा गोपालन। प्रथम लोक आयुक्त कौन थे? पी वी दीक्षित। प्रथम राज्य योजना मंडल के अध्यक्ष श्री प्रकाश चंद्र सेट्टी। प्रथम लोकसभा आयोग के अध्यक्ष डी बी रेड्डी। प्रथम प्रतिपक्ष नेता विष्णु नाथ तामस्कर। प्रथम महिला विपक्ष नेता जमुना देवी थी। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा थे। प्रथम आदिवासी महिला राज्यपाल उर्मिला सिंह, याद रखिए हिमाचल प्रदेश की। सर्वाधिक समय तक राज्यपाल पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं श्री हरि विनायक विनायक पाटसकर। ठीक है, तो ये था हमारी मध्य प्रदेश से संबंधित सामान्य जानकारी। आगे हम बात करेंगे राज्य पुनर्गठन के बारे में, मध्य प्रदेश का राज्य पुनर्गठन देखेंगे। ठीक है, याद रखिए।